डैशबोर्ड के ऊपर तक स्पेस बना के दिया है, बताओ। सही में तिजोरी है, इसमें ताला देना चाहिए था। अभी IRVM में मैं देख रहा हूँ, पीछे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बस चला रहा हूँ मैं, इतनी दूर तक मुझे दिखाई दे रहा है। कैमरा अगर जाएगा आपका तो आप देख सकते हैं उसको, वो पूरा इंजन कवर्ड है। आज की तारीख में 3-3.5 लाख में मिल जाए इस कंडीशन की गाड़ी, बहुत ही तगड़ी डील होगी भाई साहब। ये तो बताया नहीं, इसमें ये जो सीट है ये वाली और ये वाली, ये लॉक बेस है। आप लॉक निकालो ये दोनों सीटें बाहर निकल जाती है और ये पूरा फ्लैट हो जाता है नीचे। इसकी मिडल सीट की विंडो देखो कितनी बड़ी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आप देख सकते हैं कितने कंफर्ट के साथ हम दोनों बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि हम किसी वैनिटी वैन में बैठे हुए हैं। अजय जी बड़े खुश हो रहे हैं कि यार शुरुआत कैसे कर रहे हैं वीडियो की। बट ये गाड़ी एक्चुअल में बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी है, अजय जी की गाड़ी। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। थैंक यू सो मच। और गाड़ी का नाम अभी हम नहीं बताएंगे, आपको गैस करना पड़ेगा। और ये एक्चुअल में इतनी प्रैक्टिकल है, इसकी जो थर्ड रो है उसमें भी अच्छा खासा स्पेस है, एक एडल्ट आराम से बैठ सकता है। आजकल की जो सो कॉल्ड 7-सीटर गाड़ियाँ ना, उससे ज़्यादा स्पेस है इस गाड़ी में। अच्छी खासी पावर भी है, अच्छी खासी हाईवे में स्टेबिलिटी भी है। अगर इस गाड़ी को हम लेने जाते हैं मार्केट में आज की तारीख में, तो लगभग कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? आज की डेट में तो ये यूज्ड ही मिलेगी। हाँ। क्योंकि बंद हो चुकी है। हाँ। तो यूज्ड आप लेने जाओगे तो मान लो 3-5 के बीच में। फिलहाल ये जो गाड़ी है ये है रेनो की लॉजी। लॉजी है 110 पीएस वाली, 110 पीएस उसका टॉप वेरिएंट है। आपने ये गाड़ी कितनी चला दी है ये बताइए? ये करीबन 1,24,000 चल गई है। डस्टर वाला इसमें सेम इंजन आता था, काफी चला दिया उन्होंने। एज अ फैमिली कार ये यूज कर रहे हैं। चलिए अब गाड़ी के आगे चल के बात करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन बड़े प्यार से देंगे आपको आज। अब जैसे मैं गाड़ी के बाहर आ गया हूँ, ये गाड़ी आपको काफी छोटी दिखाई दे रही होगी, लेकिन आपने देखा अंदर कितना ज्यादा स्पेस था इस गाड़ी में। उस टाइम पे अजय जी एक बात बताइए, इर्टिगा इसकी कॉम्पिटिटर होती थी, आपने वो कंसिडर नहीं करी? वो बहुत छोटी है। अच्छा, पहली चीज। और जो रिक्वायरमेंट थी मेरी उस हिसाब से वो बहुत छोटी बैटरी थी। अच्छा, उसमें स्पेस इससे कम है? कम है। जो पुरानी वाली अर्टिगा थी उसमें एक्चुअल में कम था स्पेस अभी वाली के कंपैरिजन में, तो इसके हिसाब से तो बिल्कुल कम ही होगा। मुझे ये बताइए इस गाड़ी के साथ अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि अगर अभी कोई लोग इसको खरीदना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा समझ पाएंगे। नॉर्मल सर्विस हुई है। हाँ। कोई मेजर सर्विस कुछ नहीं हुआ है इसमें। अच्छा, सस्पेंशन वगैरह सब कुछ नॉर्मल चल रहा है अभी तक, कुछ रिप्लेस नहीं हुआ है इसमें। इंजन के पार्ट में थोड़ा बहुत दिक्कतें आती है, 110 पीएस वाले जो डस्टर का इंजन है इसका सेम ही है। सेम ऐसा कुछ आपको फील हुआ या फिर भुगतने को मिला? अभी तक तो नहीं हुआ, सिवाय एक चीज के, इसका टर्बो में से ऑयल लीक हो रहा था। अच्छा, अब वो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करवाते हैं और कैसे करवाते हैं। अब अगर कंपनी में जाओ, तो मैं कंपनी में गया तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे टर्बो में से ऑयल लीक हो रहा है, तो उन्होंने बोला ठीक है हम इसका पूरा का पूरा टर्बो चेंज करेंगे विद द होसेस। अच्छा, मैंने कहा ठीक है भाई, अब कॉस्ट बताओ कितना है, तो उन्होंने बोला 90,000 रुपये कॉस्ट। वही पार्ट जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो वहां पर मेरे को पता लगा वो पार्ट जो है वो 1500-1600 रुपये का, जो कि ओरिजिनल पार्ट है। 1500 के काम के 90,000 रुपए ले रहे थे, क्योंकि वो रिपेयर नहीं करते हैं, वो पूरा का पूरा रिप्लेस करते हैं। और वो रिपेयरेबल था? वो ऑयल सील होती है एक छोटी। अच्छा। सी वो होस और टर्बो के बीच में ऑयल सील लगती है, वो ऑयल सील टूट गई थी, कट हो गई थी, क्या थी, अब वो रिप्लेस होनी थी। अब वो रिप्लेस करवाई, 1500 रुपए का वो आया, 1000-1500 रुपया उन्होंने लेबर ली। हाँ। 2 साल हो गए हैं चल रहा है। देखो लॉजी जैसी प्रैक्टिकल यूज्ड कार तो आप ढूंढने लग गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे यूज्ड कार हो नई कार हो, आपकी गाड़ी की सेफ्टी काफी जरूरी है, चाहे वो चोरों से क्यों ना हो और आपसे गाड़ी मांग कर ले जाने वालों से क्यों ना हो। और उसके लिए आपके पास होना चाहिए GPS डिवाइस। ये है 1 लैप का वायरलेस GPS डिवाइस, जिसमें लगी है मैग्नेट, ये चिपक जाता है। और इसके मैं फीचर आपको बताता हूँ, ये आपकी गाड़ी की लाइव ट्रैकिंग करता है, कोई आपकी गाड़ी को ओवर स्पीड कर रहा हो उसकी नोटिफिकेशन देता है। इसमें आपको मिलेगा जियो फेंसिंग का फीचर, आपकी सिलेक्टेड एरिया से गाड़ी बाहर जाती है तो आपके पास थेफ्ट अलर्ट आएगा। जरूरी नहीं है कि आप गाड़ी में रखें इसको, आप अपने टू व्हीलर में भी रख सकते हैं, आप अपने बच्चों के स्कूल के बैग में भी रख सकते हैं, उनका पता आपको चलता रहेगा कि वो कहाँ है। और साथ के साथ इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है, वो क्या है, इसमें पड़ती है सिम। अगर सिम आप इसमें डाल दें और उस नंबर पर कॉल करें, ये कॉल रिसीव कर लेगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि इसमें कॉल रिसीव हो चुकी है, अंदर जो भी बातचीत चल रही हो उसको आप सुन सकते हैं। इतने सारे सिक्योरिटी फीचर इसमें है। तो वायरलेस GPS डिवाइस है तो पावर तो चाहिए, पावर मिलती है बैटरी से, बैटरी है 10,000 mAh की, 20 से 25 दिन आराम से चल जाता है। और Amazon में ये बेस्ट सेलर है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। मुझे काफी अच्छा लगा इसलिए आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूं। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो वही था कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स रखनी है भाई, एकदम मतलब स्पीड में भागे जो मजा आए चलाने में।
पालियो रखी, S10 पालियो 1.6 GTX रखी, लीनिया रखी, फोर्ड आइकन रखी 1.6, अच्छा ऐसी कार्स रखी। अब उसके बाद शादी हो गई। अच्छा। अब शादी होने के बाद थोड़ा सा वो होता है कि भाई अपनी फैमिली का सामान उमान और एक डिसेंट सी गाड़ी रखो, तो फिर रखी फाबिया, वो निकाली, फिर उसके बाद बेबीज हो गए, अब ऊपर वाले के ट्विंस हो गए। अब ट्विंस के चक्कर में गाड़ी फिर लेनी थी ऐसी कि जिसमें 5-6 बंदे और सामान आराम से बैठ जाए। अब उस टाइम पे मार्केट में मिलती थी या तो एटिगा थी, या ये थी, या XUV थी, मगर वो कुछ ज्यादा ही थी, वो बहुत हाई फाई थी, उसमें इतना इलेक्ट्रॉनिक का गैजेट का सामान है कि कुछ खराब हो जाए तो आप मतलब भूल जाओ उसको रिपेयर कराना। अब ये है, ये एकदम बेसिक गाड़ी है, इसमें कुछ नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कुछ भी नहीं है सिवाय क्रूज कंट्रोल के। हाँ ये है इसमें। ये उस टाइम पे मतलब बजट थोड़ा सा एक्सीड हो गया, क्योंकि ये 14-15 लाख की पड़ी थी उस टाइम पे, बट स्टिल मतलब अगर मैं आज की डेट में कंपेयर करूं तो 14-15 लाख का वर्थ है। अभी आज की तारीख में आपको गाड़ी लेनी होगी तो इसके जैसी गाड़ी आपको मिल पाएगी? अब इसका जो मैंने सोचा था वो सोचा था हेक्सा। अच्छा, अब वो भी बंद होगी। दूसरी कौन सी मिलेगी? यहाँ तो है ट्राइबर, वो तो एकदम छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा है इसका। तो मजा ही नहीं आएगा में। बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसमें 110 PS का इंजन मिलता है, कहाँ 72 PS चलाओगे, वो भी पेट्रोल, डीजल का इतना बढ़िया टॉर्क, आपके समझ से बाहर है वो गाड़ी। और बताओ। अब दूसरा था किया कैरेंस, जो मेरी सिस्टर ने लिया अभी रिसेंटली, अब उसको भी मैंने चलाया, पेट्रोल वाली वर्जन था, आई डोंट नो उसमें डीजल आता है या नहीं आता, बट मैंने पेट्रोल वाला चलाया, डीजल आता है। हाँ, लेकिन मजा नहीं आया। नहीं आएगा पेट्रोल, क्योंकि इसमें जो सॉलिड वाली फील आ रही है वो उसमें फील ही नहीं आ रही वैसी। बिल्कुल सही बात। और पेट्रोल आपने नेचुरली एस्पिरेटेड चलाया होगा। पेट्रोल में टर्बो भी आता है, वो भी अच्छा खासा पावरफुल है, डीजल भी अच्छा खासा पावरफुल है। मुझे ये बताइए, कैरेंस आपने देखी तो कैरेंस के बराबर स्पेस है या कम है? ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। अच्छा, इसका मेन डिफरेंस मेरी सिस्टर ने बताया था, जो मेरी नजर में नहीं आया, उन्होंने बोला कि इसकी मिडल सीट की विंडो देखो कितनी बड़ी है, उसकी मिडल सीट की विंडो इतनी है, अच्छा इसकी बहुत बड़ी है, और उसकी बैक वाली जो थर्ड रो वाली शीशा है वो भी उसका छोटा है, इसका वो भी बड़ा है। आप एंजॉय कर रहे हैं गाड़ी को, उस टाइम पे बिकी क्यों नहीं है? आप इतना अच्छा प्रोडक्ट बता रहे हैं, आप उस टाइम के क्या ऐसे रीजन रहे होंगे बिकी नहीं है गाड़ी? आई थिंक रेनॉल्ट ने इसको मार्केटिंग नहीं किया अच्छे ढंग से, हो सकता है अगर वो अच्छे ढंग से इसको मार्केट करते जैसे उन्होंने डस्टर की या बाकी कंपनीज करती है अपनी गाड़ियां, ये कंपनी की आप देखोगे गिनी चुनी एक या दो एडवर्टीजमेंट मिलेंगी, वो भी आई थिंक 2-4 महीने के लिए टीवी पे आई थी, बंद होगी उसके बाद। उसके अलावा मेरे को इसका कोई रीजन दिखता ही नहीं कि ये क्यों नहीं बिकी। मतलब इसको अगर आप टैक्सी पर्पस पे भी देखो वो भी अच्छी खासी चल सकती है, एवरेज भी अच्छी मिलती है, सब कुछ अच्छा है। एवरेज कितनी निकाल रहे हो? देखो हाईवे पे अगर आप जाओगे तो 18-19 मिल जाती है, सिटी में मैं चलाता ही नहीं हूँ। हाईवे में क्या होता है, इसमें 6 गियर है, 6ठा गियर लगाया, क्रूज लगा दिया 120 पे, आराम से बैठ गए। सिटी में एक दिक्कत आपकी क्लच की है, दूसरी इसके मैनूवर करने की, इतना ट्रैफिक होता है, कोई उधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है, आप चला ही नहीं पाओगे इसको सिटी में। बट कई ऐसे हरफन मौला हैं वो आराम से चला लेंगे, इससे बड़ी बड़ी गाड़ियां जो चलाते होंगे वो आराम से चला लेंगे। बट एक चीज नोटिस करने को मिल रही है, इसका एंटीना बड़ा ऊंचा है यार, ये भी टूटा हुआ है, टूटा हुआ नहीं है। और कितना ऊपर था ये? अभी 2-3 इंच और ऊपर है इससे। अच्छा, ये क्योंकि जब आप आ रहे थे ना ये ऊपर से अलग से चमक रहा था। गाड़ी का कलर भी अच्छा है, गाड़ी की बिल्ड भी काफी अच्छी है यार, डस्टर टाइप की मुझे लग रही है ना, जो थर्ड आवाज आ रही है काफी स्ट्रॉन्ग है। थर्ड वाली आवाज कह रहे हैं ना, ये कैरेंस में नहीं मिलेगी आपको। हाँ सही बात है, यूज्ड कार मार्केट में मिलेगी ये गाड़ी अगर कोई लेना चाहे तो? सिंपल सी एक लाइन बोलूंगा, बेचने जाओगे बिकेगी नहीं, अच्छा खरीदने जाओगे मिलेगी नहीं। क्योंकि मेरे पास अभी है, अभी इसके आई थिंक 3 साल पड़े हैं वैलिडिटी के। अब मेरे को कोई बोलेगा इसको बेचो 3 लाख में, तो कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता इसको बेचने का। 3 साल हैं, निकाल लो, उसके बाद जब वैलिडिटी खत्म हो जाएगी तो फिर बेच देंगे जिस जो दाम मिलेगा। गाड़ी आगे से आप देख रहे होंगे काफी नीची है, कभी टकराती नहीं है? टकराई तो है यार, यहाँ पर मुझे दिख रहा है काफी जगह से लगी है, हल्का फुल्का लगती है, ज्यादा तो नहीं। मतलब जैसे आप मेरे पास एक जो रोजमर्रा चलाने वाली शेवरले बीट है, अच्छा अगर आप उसको देखोगे उसका तो पूरा यहाँ पर रगड़ा हुआ है, क्योंकि वो सिटी में चलती है। अब ये हाईवे पे चलती है, अगर थोड़ी छोटी मोटी टकरावट है तो वो दिक्कत नहीं है। और एक चीज और है इसमें जो आपको आज की गाड़ियां नहीं किसी गाड़ी में नहीं मिलेगी, क्या? इसके इंजन के नीचे एक प्लेट है स्टील की, स्टील की प्लेट है, जिसका वजन ही कम से कम 50-60 किलो है, और वो पूरा इंजन कवर्ड है उसमें। अगर आप मतलब कैमरा अगर जाएगा आपका तो आप देख सकते हैं उसको भी, वो पूरा इंजन कवर्ड है उसमें। ओके, किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा आपको। और भाई वो जो प्लेट की बात मैं बता रहा हूँ ना, इंजन की कवरिंग, मेरे को भी पता नहीं थी कि प्लेट होती है नीचे, क्योंकि मैं नीचे जाके तो देखा नहीं कभी। अच्छा। और कंपनी में नॉर्मली सर्विस होती थी तो वो होम पिकअप होम ड्रॉप हो जाता था, वो खुद ही लेके चले जाते थे।
अब जब इसका 2 साल पहले वो ऑयल जो टर्बो में से ऑयल निकल रहा था वो जब मैं मतलब बाहर के मैकेनिक से ठीक कराने लगा ना, तो तब उसने जब गाड़ी उठाई तब मेरे को वो दिखा नीचे ये है क्या है। अच्छा। तो फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ये क्या चीज है, कहता ये इंजन कवर है। मैंने कहा अच्छा। उसने उतारा और वो उतारने के लिए 2 बंदे लगे, मतलब एक बंदा भी नहीं उठा पाया उसको, मतलब लोहा दबा के लगा रखा है। अभी ना मुझे इसको चलाते हुए पूरी डस्टर वाली फील आ रही है, स्टेयरिंग व्हील वैसा ही है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी वैसा ही है। आप कह रहे हैं कि सिटी में चलाने में दिक्कत होगी, लेकिन मुझे तो क्लच सही लग रहा है मेरे हिसाब से। अब पता नहीं, शायद मैं शायद शेवरले बीट जो है उसको चलाता हूँ तो मेरे को इसलिए लग रहा है। अभी IRVM में मैं देख रहा हूँ पीछे, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बस चला रहा हूँ मैं, इतनी दूर तक मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि एक फील होता है कि जैसे आप प्रॉपर 7 सीटर बड़ी SUV चला रहे हैं, तो इधर से भी चौड़ी होगी और पीछे लंबी होगी, ऑब्वियस सी बात है, बट ये आगे से इतनी चौड़ी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप कोई कॉम्पैक्ट SUV चला रहे हैं, लेकिन पीछे आपको दूर तक देखने को मिल रहा है, वो वाली फील आ रही है बहुत अच्छी। और AC आपको हर तीनों रो में AC मिलता है इसमें आपको। इसका ग्लास एरिया आप देखो, मतलब कैरन्स का भी इतना नहीं होगा ग्लास एरिया जितना इसका है। विजिबिलिटी काफी अच्छी है और ORVM छोटे हैं लेकिन विजिबिलिटी प्रॉपर है। और 110 PS डीजल इंजन, वही डस्टर वाला, जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है, इशारों पे नाच रही है गाड़ी। हाईवे में तो बहुत मजा आता होगा इसको चलाने में। हाईवे में देखो, इसका आप क्रूज सेट कर दोगे ना, तो अगर ये 160 पे भी चले जाएगी आपको समझ ही नहीं आएगा कि 160 पे चल रही है, जब तक आप ओडो नहीं देखोगे। अभी मैं 70-80 में चला रहा हूँ और फील हो रहा है कि एक्चुअल में स्टेबल है ये गाड़ी। इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम है, उसकी वजह से भी इसको फायदा मिल रहा है काफी। और चलने के बाद एक बार एक प्रॉपर स्पीड आने के बाद काफी रिलैक्स होके चल रही है। मैंने इसकी सीट जानबूझ के ऊंची कर रखी है डस्टर वाला फील लेने के लिए। अच्छा। और इसमें देखो, आप छोटी छोटी चीजें आप देखोगे ना, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें ऐसी जो आज की गाड़ियों में भी नहीं मिलेंगी। जैसे USB इसमें एक पीछे रोग में भी है, सेंटर में भी है, आगे भी है। और स्पेस देखो आप, इसमें हर जगह भर भर के स्पेस दिया है। बिल्कुल सही, डैशबोर्ड के ऊपर तक स्पेस बना के दिया है, बताओ। सही में तिजोरी है, इसमें ताला देना चाहिए था। बट हेल्दी कंडीशन में आपकी गाड़ी, वही मैं कह रहा हूँ ना कि इस गाड़ी का मेरे को आज तक, अभी तक तो मतलब कुछ ऐसा ड्रॉबैक लगा नहीं कि जिस वजह से ये गाड़ी नहीं बिकी। सर इतने सालों में अटैचमेंट भी हो जाता है, और अटैचमेंट के साथ साथ यूटिलिटी प्रॉपर तरीके से मिल रही है इस गाड़ी से आपको, मुझे नहीं लगता है कि आप इसको कम दामों में निकालने की सोचेंगे। यहाँ तो होना कि इसको सेल करके मैं कुछ दूसरी गाड़ी ले रहा हूँ जो इसका अपग्रेडेड वर्जन है। अब इसका अपग्रेड वर्जन एक ही दिखता था, हेक्सा, वो है नहीं मार्केट में, तो अब इसका अपग्रेड वर्जन कौन सा लूँ, कोई मिलता ही नहीं। XUV 700 है, बट वो उसमें इतने गिज्मोज है कि मेरे जो 2 लाल है ना, वो बटन दबा दबा के सारे गिज्मोज खराब करेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये तो एकदम बेसिक गाड़ी है कि इसमें अगर कुछ वो तोड़ दें मोड़ दें वो रिपेयर भी हो जाएगा, ठीक भी हो जाएगा। अभी जैसे छोटी छोटी चीजें दिखाऊंगा, ये यहाँ पर देखो एक लॉक होता है, यहाँ पर एक यहाँ होता है लॉक, बच्चे ने खींच के तोड़ दिया। अच्छा, तो कोई दुख नहीं दे रहा। और राइड क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है, प्रॉपर जो है सस्पेंशन जो है ना बैलेंस्ड है, राइड क्वालिटी प्लस स्टेबिलिटी के समझ में आ जाता है। अगर आप ऐसे मैन्यूवर कर रहे हैं या फिर यू टर्न ले रहे हैं तेज स्पीड में, इसके सस्पेंशन काफी अच्छा सपोर्ट कर रहा है। आज की तारीख में 3-3.5 लाख में मिल जाए इस कंडीशन की गाड़ी, बहुत ही तगड़ी डील होगी भाई साहब, मजा आ जाएगा। इसको तो आप कैरावैन भी बना सकते हो अगर पीछे की 2 सीटें निकाल दी दोनों। अच्छा हाँ, ये तो बताया नहीं, इसमें ये जो सीट है ये वाली और ये वाली, ये लॉक बेस है, आप लॉक निकालो ये दोनों सीटें बाहर निकल जाती है और ये पूरा फ्लैट हो जाता है नीचे, और ये भी करके देख चुका हूँ मैं। अच्छा, ये दोनों सीट निकाल के घर में रखी थी, बीच में गद्दा बिछा दिया था, बैठो आराम से। सर्विस का खर्चा वगैरह बता देते तो थोड़ा सा और आसानी हो जाती व्यूअर्स के लिए। सर्विस जो है इसकी मैं हर 6 महीने में कराता हूँ, चाहे ओवर चल जाए चाहे अंडर चल जाए, लेकिन 6 महीने में इसकी सर्विस करानी। Reason? अब वो शुरू से बना हुआ आदत बनी है कि 6 महीने में करवानी है और वो चल जाती है नॉर्मली, क्योंकि जिस तरीके से मैं हाईवे पे जाता हूँ तो वो चल जाती है। तो नॉर्मली हमारी 2-4-6 महीने में वेकेशन होती है तो हमने जाने जाना होता है, तो वो 6 महीने में अगर आप सर्विस मान के चलो नॉर्मल जिसमें आप इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, इसका AC फिल्टर, ये नॉर्मल सर्विस में जो इंक्लूड होता है वो अगर कराओगे 6-7 हज़ार रुपये में कंपनी का। अच्छा, और वही अगर आप बाहर कराते हो 4-5 हज़ार मान लो। सर्विस कॉस्ट भी रीजनेबल है, अभी तो आप मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर ही करवाते हैं। नहीं,
इसकी नॉर्मल सर्विस जो है वो मैं कंपनी से ही करवा रहा हूँ फॉर द रिकॉर्ड मेंटेनेंस, कि कभी इन फ्यूचर अगर रिकॉर्ड निकालने पड़े तो वहाँ पूरा रिकॉर्ड मिलेगा मेरा। अच्छा, मगर अगर जैसे मैंने बताया था आपको वो एक ऑयल सील चेंज करानी थी मेरे को टर्बो की, तो वो जैसे मेजर काम था वो मैंने बाहर कराया था। उसके अलावा इसका इंजन के माउंट चेंज किए थे मैंने, वो भी मैंने कंपनी के ही लिए लेकिन बाहर करवाए। और इंजन से एक्स्ट्रा आवाज भी नहीं है, मतलब कि प्रॉपरली मेंटेन किया गया है। और सस्पेंशन वगैरह से मुझे तो आवाज कोई आ नहीं रही है फिलहाल, अभी तो हेल्दी कंडीशन में मुझे लग रहे हैं। देखो, अजय जी ने सोच समझ के गाड़ी ली थी उस टाइम पे और आज तक साथ निभा रही है बिना किसी परेशानी के, प्रॉपर यूज में आ रही है ये गाड़ी और अभी ये बेच भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं गाड़ी के? आराम से ऑनलाइन आप ढूंढो, आपको तो आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से ओरिजिनल पार्ट्स ही मिल जाते हैं। और अगर रेनो की तरफ जाना हो वहाँ से मिल जाएंगे? वहाँ भी मिल जाते हैं पार्ट्स, बट वही है कि जो पार्ट बाजार में 100 रुपए का मिलेगा ऑनलाइन पोर्टल पे, वहाँ पर मिलेगा 200 रुपए का। अच्छा, और आपको याद है कब डिसकंटिन्यू हुई थी? हाँ, ये 2020 में हुई है लास्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो हाल फिलहाल में ही हुई है। तो आप अगर इसका ऊंचा मॉडल यानी कि 18, 19, 20 भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। और सेफ्टी वाइज भी कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं है, डबल एयर बैग है इसमें। अच्छा, उस टाइम पे डबल एयर बैग दिया था इन्होंने। बिल्कुल सही बात है, भले ही आज एयर बैग की वार्निंग क्यों ना आ रही हो, एयर बैग है इसमें, वो चले ना चले। सर, थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। थैंक यू सर अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गाड़ी की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए 1 लैप का GPS डिवाइस वायरलेस वाला जरूर परचेस करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।